सोलन में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये संक्रमण ज्यादा न फैले इसलिए जिला प्रशासन द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्हें हाथों को सैनिटाइज करने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, लेकिन अभी तक सोलन वासियों में ज्यादा जागरूकता नहीं आई है। पहले तो ये साधारण संक्रमण नजर आ रहा था, लेकिन अब इस खतरनाक वायरस ने रोगियों की जान लेनी भी आरंभ कर दी है। पिछले कल ही सोलन के निजी अस्पताल में कोरोना के कारण 3 जाने चली गई हैं, जिसके चलते अब पुलिस प्रशासन पहले से ज्यादा सख्ती में आ गया है। अब उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा जो बाजार में बिना मास्क के नजर आएंगे, उनका तुरंत चालान किया जाएगा, जिसके लिए पुलिस की विभिन्न टीमें बाजार में गश्त करती रहेंगी। ये जानकारी डीएसपी रमेश शर्मा ने मीडिया को दी। डीएसपी रमेश शर्मा ने बताया कि जो शहर में बिना मास्क के निकल रहा है उनके चालान किए जा रहे हैं। अभी तक करीबन 800 चालान किए जा चुके हैं, जिनसे करीबन 4 लाख जुर्माना भी वसूला जा चुका है। उन्होंने शहरवासियों से आग्रह किया है कि वे जब भी भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में जाएं तो वे मास्क जरूर पहने। उन्होंने कहा कि अब जो भी व्यक्ति बिना मास्क के शहर में नजर आएगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि क्योंकि बाहरी राज्यों से भी लोग शहर में पहुंच रहे हैं, इसलिए संक्रमण का खतरा और भी ज्यादा फैलने का डर है। यही कारण है कि अब पहले से भी ज्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। मास्क जो मास्क नहीं पहन रहे हैं उनके जो पुलिस अधिनियम के अंतर्गत लगभग 800 से अधिक चालान सोलन पुलिस द्वारा किए गए हैं, और जिसके बदले में 4 लाख के लगभग जुर्माना अभी तक जो वसूल किया जा चुका है। लोगों को हम बार बार समझा रहे हैं कि वो नियमों का पालन करें और हमेशा मास्क पहनकर ही भीड़भाड़ वाली जगह में निकलें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, क्योंकि ऐसा उन्हीं की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि अब जो है इंटरस्टेट बॉर्डर्स खोल दिए गए हैं और बाहर से भी जो लोग हैं वो इधर पर्यटक हिमाचल में प्रवेश कर रहे हैं, जिसकी वजह से संक्रमण का खतरा और बढ़ जाता है। इसीलिए लोगों से यही अपील करना चाहता हूं कि वो अधिक से अधिक इस बात का प्रचार प्रसार भी करें और ये सभी अपने परिवार सगे संबंधियों सभी को ये कहें कि जब भी बाहर निकलें घर से तो वो मास्क पहनकर निकलें।